नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानी नैथानी। उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के विधायक पर अवैध निर्माण गिराने गए अधिकारियों से मारपीट का आरोप लगा है। दरअसल लखनऊ में अवैध निर्माण गिराने के लिए पहुंचे अधिकारियों से समाजवादी पार्टी के विधायक रामपाल यादव और उनके बेटे ने मारपीट की। अवैध निर्माण गिराने पहुंचे अधिकारियों को रोकने के दौरान विधायक के बेटे ने पिस्टल निकालकर फायर करने की भी यहां पर कोशिश की। इसके बाद पहुंची पुलिस ने विधायक और उनके समर्थकों को जमकर पीटा भी। पुलिस ने विधायक और उनके बेटे और जो साथ ही साथ कई और समर्थक हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही विधायक के लखनऊ के साथ साथ सीतापुर में बने जो अवैध होटल है उसे भी गिरवा दिया। प्रशासन के मुताबिक सीतापुर में बना जो होटल है वो भी अवैध था। उनके साथ 10-15 लोग थे और आते ही वो अधिकारियों पर टूट पड़े। सेक्रेटरी जो एलडीए हैं उनके साथ मारपीट शुरू कर दी और उनके साथ लोगों ने 2 पिस्टल निकाली, जिसकी वजह से पुलिस ने उनको उनकी पिस्टल छीन के उनको डीएक्टिवेट किया और उनके बाद फिर उन्हें गिरफ्तार करके और भेजा जा रहा है। लगभग कितने लोग थे? 10-12 लोग थे हमारे ख्याल से जो लोग आए थे। नहीं तो पिस्टल लेके आए क्यों थे यहाँ पे? पिस्टल उन्होंने निकाली तब पुलिस वालों ने उसे छीना है। ये अधिकारी अगर अधिकारियों को गोली मार देते तो फिर क्या यहाँ इतनी पुलिस होने का क्या मतलब होता? सिपाहियों से मारपीट की, सबसे पहले मारपीट की उन्होंने। वहीं विधायक ने यह आरोप लगाया है कि उन्हें बिना कोई कागज दिखाए निर्माण को गिरा दिया गया। विधायक रामपाल ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने पास अदालत का आदेश होने की बात भी कही लेकिन उनकी बात को सुना ही नहीं गया। से हम पूछ रहे हैं कोई अगर गिराने का आदेश तुम्हारे पास है तो हमको दिखाओ। अब उसमें पुलिस वाले लाठी चला रहे हैं। आपका वैध है या अवैध है? वैध है बिल्कुल। वो बैनामा आया नक्शा हमने जमा किया था, पास भी हो गया था, बाद में इन्होंने कैंसिल किया था जब सरकार से चुनाव हमारा होने लगा था। इतने मीडिया वाले थे, कोई बता दिया कि हमने हाथापाई किया? हमारे यूपी ब्यूरो चीफ शालामणि त्रिपाठी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं और विस्तार से जानकारी के साथ। शलभ, कितना दम माने विधायक साहब के इन दावों में जो ये कह रहे हैं कि अदालत का आदेश था और उनको परमिशन मिली हुई थी, तो फिर क्यों आखिर गिरा दिया गया? देखिए, इसको लेकर प्रशासन का ये कहना है कि जब वो वहां पर गया और प्रशासन ने वहां पर ये बताने की कोशिश की कि अवैध निर्माण है तो विधायक की तरफ से मारपीट की गई और अधिकारियों पर हमले किए गए जिसके बाद पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज किया। विधायक का ये कहना है कि ये जो उनका निर्माण है वो अवैध नहीं और कोर्ट से भी उनके पक्ष में ऑर्डर है। अभी आप किसका दावा पुख्ता है ये कोर्ट के कागजात देखने के बाद ही जो लीगल एक्सपर्ट है वो बताएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि विधायक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है, उनको जेल भेजा गया है, उनके बेटे को जेल भेजा गया है, उनके तमाम समर्थकों को भी पुलिस ने जेल भेज दिया है। 2 पिस्टल रिकवर हुई है, हालांकि लाइसेंसी वेपन है। पुलिस का ये कहना है कि ये लाइसेंसी वेपन इन लोगों ने निकालकर अधिकारियों पर लहराने की कोशिश की जिसके बाद वेपन भी कब्जे में ले लिया गया और लखनऊ के साथ ही साथ सीतापुर में भी जो होटल था विधायक का उसको भी गिरा दिया गया। एक इसमें इंफॉर्मेशन ये भी है कि ये वही विधायक हैं हिमानी जिन्होंने पंचायत चुनावों के दौरान समाजवादी पार्टी से बगावत भी की थी और समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी था उसके खिलाफ अपने बेटे को उतार दिया था और अब इनका बेटा चुनाव जीत गया था। उस वक्त भी इस बात को लेकर तमाम खबरें आई थी कि विधायक के खिलाफ कार्रवाई होगी और उसी के बाद से एनडीए काफी सक्रिय हुई थी, क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि इतना बड़ा अवैध निर्माण अगर गलत था तो बन कैसे गया? ये उस वक्त क्यों नहीं रोका गया जब ये बन रहा था? ये उस वक्त क्यों नहीं गिराया गया जब ये कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था? ये उस वक्त क्यों गिराया गया जब ये पूरा कंस्ट्रक्शन बनकर तैयार हो गया था? बिल्कुल ठीक बात। शुक्रिया फिलहाल शलभ इस तमाम जानकारी के लिए आपका।